हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्विज फोर सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का ये पार्ट जो है शुरू करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। संस्था बनती है, संस्था किन किन चीज़ों से बनती है? पहला है समूह, नियम एवं विधियों से, समुदायों से, उपयुक्त सभी से। ये चार ऑप्शन है। तो संस्थाएं क्या बनती है? संस्थाओं में सदस्यता नहीं पाई जाती है, ये नियमों और विधियों से बनती है। ठीक है, इसमें समूहों से नहीं, क्योंकि समूहों में व्यक्ति होते हैं, समुदायों में व्यक्ति होते हैं। प्रश्न नंबर दो को देखते हैं कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है। लघु समुदाय की अवधारणा ऑप्शन देखते हैं कि किंग्सले डेविस, बोगार्डस, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकाइवर एवं पेज। तो लघु समुदाय की अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। मैक्सिको के चानकोम गांव का अध्ययन करके लघु समुदाय की अवधारणा दी थी और उन्होंने इसके साथ साथ दो बताया था कि लघु समुदाय और बृहद समुदाय, समुदाय के दो प्रकार बताए थे। और जो लघु समुदाय का उन्होंने जो विशेषता बताई है वो है लघुता, स्मॉलनेस, विशिष्टता, डिस्टिंक्टिवनेस, समरूपता, होमोजेनिटी, और चौथा जो बताया है वो आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, कभी कभी इस तरीके का प्रश्न भी आ जाता है कि रेडफील्ड ने लघु समुदाय की कितनी विशेषताएं बताई हैं, या कुछ विशेषताओं को लिख दिया जाएगा और उसमें से ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी विशेषता रेडफील्ड ने लघु समुदाय की नहीं बताई है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीन। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ऑप्शन देखते हैं वेस्टरमार्क, होमन्स, मार्गन, स्पेंसर। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक जो है वो वेस्टरमार्क ने लिखी है। प्रश्न नंबर चार देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी नहीं है। हमें देखना है कि कौन नहीं है भौगोलिक निर्धारणवादी। ओके, तो ऑप्शन है ग्रीन, हटिंगटन, मॉन्टेस्क्यू, क्वेटलेट। तो हटिंगटन, मॉन्टेस्क्यू और क्वेटलेट ये सभी भौगोलिक निर्धारणवादी हैं, जबकि ग्रीन भौगोलिक निर्धारणवादी नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने भौगोलिक पर्यावरण को मानव के शारीरिक और मानसिक गुणों को विकसित करने वाला बताया था कि ये भौगोलिक कारक ही है, भौगोलिक पर्यावरण है जो मानव के शारीरिक और मानसिक गुणों को विकसित करते हैं। उन्होंने ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश में रहने वालों के लिए अलग अलग विशेषताएँ बताई थी। जैसे उन्होंने कहा था कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले सुस्त, धैर्यवान, यौन उत्तेजना में कमी कम, शरीर से मजबूत, क्रूर, शक्तिशाली एवं बहादुर होते हैं। वहीं दूसरा उन्होंने बताया था कि गर्म प्रदेश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उग्र स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं, कामी होते हैं, कमजोर, कायर और संतोषी होते हैं। इसी तरीके से अगर हटिंगटन की बात की जाए तो हटिंगटन ने सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विनाश के लिए भौगोलिक कारकों को ही उत्तरदायी माना है। क्वेटलेट ने भी अपराध का एक ताप संबंधी सिद्धांत दिया है, थर्मिक लॉ। अब उन्होंने भी गर्म और ठंडे प्रदेशों के लिए अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गर्म प्रदेशों जो और संसार के जो दक्षिण भाग हैं उसमें जो है बलात्कार, हिंसा और घातक आक्रमण जैसे अपराध पाए जाते हैं। वहीं ठंडे प्रदेशों और जो संसार के उत्तरी भाग हैं उसमें चोरी, डकैती, लूटमार अर्थात संपत्ति के विरुद्ध अपराध पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर पाँच क्या है। प्रश्न नंबर पाँच है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। हमें ये बताना है कि यह किसके शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं मैकाइवर के, स्पेंसर के, सोरोकिन के, दुर्खीम के।
तो ये जो बात कही है, ये बात कही है दुर्खीम। ये शब्द दुर्खीम है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, भावनाएं एवं धारणाएं होती हैं जो व्यक्ति पर अचेतन रूप से प्रभाव डालती हैं। ठीक है, व्यक्ति को पता नहीं होता, फिर भी उस पर वो अचेतन रूप से प्रभाव डालती रहती हैं। और क्या करती है, जिन पर व्यक्ति के विचार व्यवहार एवं व्यवहार विचार उसकी मनोवृत्ति एवं व्यवहार निर्भर करते हैं। ठीक है, इनकी ये जो सामूहिक प्रतिनिधान होती हैं, इनका अपना एक सामूहिक शक्ति होती है, और जिसके कारण समाज के अधिकांश लोग इसे स्वीकारते हैं। ये समाज के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दुर्खीम ने इन्हें समाज के प्रतिनिधि के तौर के स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय समूह को शीत जगत का नाम किसने दिया। शीत जगत, ठीक है, अब ऑप्शन है इसमें कूले, लैंडिस, टानीस, लुंडवर्ग। तो ये द्वितीय समूह को जो शीत जगत कहा था वो कहा था लैंडिस ने, पीएच लैंडिस, इनका नाम है पीएच लैंडिस, इन्होंने द्वितीय समूह को शीत जगत का नाम दिया था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि समाज शास्त्र में लोकाचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, हमें बताना है कि समाजशास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है समनर, वीरस्टीड, बोगार्डस, माइकाइवर एवं पेज। तो समाजशास्त्र में जो लोकाचार शब्द का प्रयोग है वो समनर ने किया। ठीक है, समनर ने अपनी पुस्तक जो फोक बेस था 1906 में उन्होंने जनरीतियाँ एवं लोकाचार इसकी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। लोकाचार जिन्हें हम रूढ़िया मोर्स भी कहते हैं, अब लोकाचार में जब सामाजिक हित जुड़ जाता है, लोकरीति जो जनरीत जिसको हम लोग बोलते हैं, जब जनरीतियों में सामूहिक हित जुड़ जाता है तो लोकाचार बन जाती है। ये क्या लोकाचार क्या होती है, समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, और इनके तोड़ने पर व्यक्ति को कठोर दंड समाज देता है। ठीक है, जैसे माता पिता का आदर ना करना, ठीक है, ये एक लोकाचार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपने माता पिता का आदर नहीं करता है भारतीय समाज में, तो उसको समाज के लोग बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और उसको एक तरीके से बहिष्कृत कर देते हैं, उसको ठीक नज़रों से नहीं देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जटिल श्रम विभाजन विशेषता है, जटिल श्रम विभाजन, ठीक है, जनजातीय समाज की, नर वानर समाज की, पशु समाज की, आधुनिक समाज की, ठीक है, जटिल श्रम विभाजन। अब हमें इसमें से नर वानर समाज और पशु समाज को छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, श्रम विभाजन की बात, तो हम जनजातीय समाज और आधुनिक समाज के देखते हैं। तो जनजातीय समाज में जो श्रम विभाजन होता है वो सरल श्रम विभाजन होता है, ठीक है, सब लोग सब मिल के काम कर लेते हैं, जबकि वहीं आधुनिक समाज जो है वो जटिल श्रम विभाजन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें जटिल श्रम विभाजन पाया जाता है, इसमें हर व्यक्ति जो काम करता है वो विशेषीकृत काम करता है, स्पेशलाइज्ड होता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये जटिल श्रम विभाजन आधुनिक समाज में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि किसने कहा है कि समाज स्वजातीयता की सामूहिक चेतना है। ठीक है, ये ऑप्शन है रॉस, गिडिंग्स, माइकाइवर, इनमें से कोई नहीं। तो समाज स्वजातीयता की सामूहिक चेतना है, यह बात कही है गिडिंग्स ने। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि कांट के अनुसार कौन सी मानव समाज की सबसे मौलिक इकाई है। कांट जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, फ्रांस के थे, और इन्होंने मानव समाज की सबसे मौलिक इकाई बताई है। ऑप्शन है सरकार, व्यक्ति, परिवार, विवाह। तो कांट ने जो मानव समाज की सबसे मौलिक इकाई मानी थी वह परिवार को मानी थी। उन्होंने व्यक्ति को समाज की सबसे मौलिक इकाई नहीं माना, उन्होंने परिवार को सबसे मौलिक इकाई माना। देखते हैं व्यू स्कोर, ठीक। तो आशा है कि आप लोगों सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।